गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया है और मैं भी ठीक हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट, ओनली वाइट पार्ट ऑफ एग का। हाँ, मतलब जो उसमें वो येलो येलो होता है योक, वो नहीं डाल रही, ओनली वाइट। सो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता है, बट मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मैं कोई कुकिंग का व्लॉग बनाऊं, पर हर बार मैं कुछ बनाती हूँ, चीला बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो वो चीला सड़ जाता है या टूट जाता है या समथिंग हो जाता है। आज इतना बढ़िया बना है, तो आई थॉट कि मैं इसे आप सबको दिखाती हूँ। तो मैंने पहले 4 eggs लिए, उसको स्पून से तोड़ा, एंड देन मतलब मैंने उसमें उसका मेरे को रिमूव करने वाला तो वो था नहीं, तो मैंने एक गोल सी कड़छी के साथ लेके वो येलो वाले पार्ट को निकाल दिया। देन उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के अच्छे से मैश किया। मैंने उसमें हल्का सा बेसन डाल दिया सो दैट वो ज़्यादा स्टिक नहीं हो। मैंने ऐसे सुना है कि वो चिपकता नहीं है तवे के साथ, बट उसने बहुत अच्छा काम किया गाइस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितना सुंदर बना है। उससे पहले जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप सबको नोटिफिकेशन मिले। और मेरी वीडियो को एंड तक देखो, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें मैंने बस आपको बताया कि गोल अंडा कैसे बनाएं। और जो लोग मोटे हैं मेरी तरह, उन लोगों को एग खाना चाहिए, येलो पार्ट भी खाना चाहिए, बट मतलब अगर आप शिट यार, मतलब अगर आप 3-4 अंडे खा रहे हो तो ट्राई कि आप 1 अंडे का ही वो येलो पार्ट खाओ, बाकी वाइट एग खाओ। बॉयल करके भी खा सकते हो और आप वैसे भी खा सकते हो। ओके, अभी मैं आपको अंडा दिखाऊंगी। अंडा सी गाइस, कितना बेहतरीन बना है, मतलब सो नाइस। मतलब ऐसे मैंने ज़िंदगी में ऐसे किया और ये बिना टूटे, वाह। ये दिखाने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि मेरे से नहीं होता था। और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल दाल, उसे दाल, मेरे हस्बैंड को दाल बहुत पसंद है, एंड रोटी, एंड मेरा ओनली दिस बिकॉज आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट गाइस। तो देखा आपने मेरा, मतलब ऐसे मैंने ऐसे भी किया, वो फिर भी नहीं टूटा, कितना सुंदर बना था। अब मैं ऐसे और चीज़ें बनाती रहूँगी, क्योंकि आज ये बनाने के बाद मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो गया कि मैं बना सकती हूँ, तो अब मैं बनाऊँगी। और ये जो मैंने क्यूट सी नाइटी डाली है, ये बहुत क्यूट है। ऐसे ये मैंने सेक्टर 56 हुडा मार्केट गुड़गांव से ली है। ये शायद 200 की है या 250 की है, मुझे याद नहीं है, 200 की भी, आई थिंक 200 की है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी, इसीलिए मैंने ले ली थी। यहाँ पर मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ इफ़ आई कैन। ये नलका आ रहा है, इसमें मैं गाइस बर्तन धोती हूँ, और इससे प्रिल विम से, देखो गाइस ये ऐसी है, पूरी नहीं आ रही गाइस, बट ये ऐसी है। इसमें बॉटम में भी ऐसे फ्रॉक टाइप्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बताना आप सबको कैसा लगा ये जो मैंने इतना सुंदर बनाया। और अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनी है, बीच में मेरा हाथ आया है, ये सब आया है, जस्ट बिकॉज मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, तो हो जाता है कभी कभी। ओके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको बोल दिया, मैं दोबारा बोल रही हूँ, गो लाइक माई वीडियो, शेयर करो, कमेंट करो। और कोई आपके कज़न्स, फ्रेंड्स, भाई बहन बाहर हो, हॉस्टल में, पीजी में, जिनको खाना बनाना नहीं आता हो, तो वह इतने ईजी सा अंडा बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बेसन डालो, और मतलब वो नहीं चिपकेगा। मैंने आज तक कभी बेसन नहीं डाला था, चिपक जाता था। जो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं उनका शायद बेसन के बिना भी नहीं मतलब चिपकता होगा, बट मेरा हेल्प हो गया बेसन डाल के। और जो तवा है वो नॉन स्टिक है, ठीक है। एक तो होता है गाइस ये वाला तवा, ठीक है, ये मेरा थोड़ा ख़राब भी हो गया है, बट वो वाला नॉन स्टिक है। और ना, और मैंने एक और चीज़ की है, ऑयल भी मैं ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हूँ तो मतलब मैं ऑयल थोड़ा सा डालती हूँ, देन ये ब्रश के साथ आई रब इट, वो पूरे तवे में फैल जाता है, जिससे ज़्यादा तेल नहीं यूज़ होता आपका। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, गुड नाइट।